तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आपने भी वज़रेक्स कर अकाउंट बना रखा है, वज़रेक्स का अकाउंट आपका बना हुआ है, लेकिन जैसे आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है देना होता है, 2FA जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का जो गूगल ऑथेंटिकेशन होता है या अदर ऑथेंटिकेशन कोई ऐप होती है तो वो डिलीट हो चुकी है, अनइंस्टॉल हो चुकी होती है, तो उनके पास कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो अब बिना ऑथेंटिकेशन के आप कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे खोलना है, वही इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल पाए। तो ऑथेंटिकेशन अब आपके पास है नहीं, ऑथेंटिकेशन आपका नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होता है, वज़रेक्स की वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस करनी होगी, ठीक है। उसके बाद वज़रेक्स की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स का जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ अगर मिलता है तो ठीक है, वरना आप डायरेक्टली गूगल में भी कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे देखिए हेल्प सपोर्ट लिखा है, तो हेल्प सपोर्ट के ऊपर हम चले जाएंगे, ये सपोर्ट टीम का एक तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे हेल्प सपोर्ट है, ऊपर देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से चैट बॉक्स आपकी खुल जाएगी। एक और चीज़ आपके लिए पास होनी चाहिए, वो है आपकी ईमेल एड्रेस, जो भी अकाउंट है आपका उसकी ईमेल एड्रेस आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है अकाउंट मैनेजमेंट को, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए रिसेट 2FA, ठीक है, मतलब हमारा टू स्टेप वेरीफिकेशन मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमसे गुम हो चुका है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे यू हैव सेव्ड यूर कोड, आपने सेव किया है, हमने सेव नहीं किया है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, अब आगे का प्रोसेस आपको खुद करना है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए जाएंगे, कभी कभी वीडियो बनाकर सेंड करने के लिए बोला जाता है, कभी कभी आपसे सिर्फ जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, कब अकाउंट बनाया था, कौन से ईमेल पर बनाया था और अकाउंट में कितने जो मतलब आपने कितने ट्रांजेक्शन वगैरह किया, उससे कुछ रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जा सकती है या फिर वीडियो भेजने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भेजेंगे तो आपका जो है वज़रेक्स का 2FA जो है रिसीट कर दिया जाएगा और आप वापस से अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो आप अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।